काशी हॉस्पिटल भिखारीपुर DLW को उत्कृष्ट व गुणवत्ता युक्त सेवा प्रदान करने पर NABH प्रमाण पत्र प्राप्त हुआ है। इस बात की जानकारी देते हुए अस्पताल के निदेशक तथा काशी सेवा शोध समिति के राष्ट्रीय सचिव डॉक्टर TP सिंह ने बताया कि समिति के द्वारा संचालित अस्पताल लोगों को स्वास्थ्य संबंधी बेहतर सुविधाएं देने के लिए प्रतिबद्ध है। आपका परिचय क्या है डॉक्टर साहब? मैं डॉक्टर TP सिंह, डायरेक्टर काशी हॉस्पिटल। डॉक्टर साहब, आपको जो है NABH द्वारा कोई प्रमाण पत्र दिया गया है, क्या इसका क्या उद्देश्य है, किस लिए दिया गया है? सर, ऐसा है कि मैं विगत 30 वर्षों से ग्रामीण अंचल में जो है और शहरी अंचल में भी गरीब लोगों के लिए चिकित्सा के क्षेत्र में और स्वास्थ्य के क्षेत्र में और शिक्षा के क्षेत्र में अद्वितीय में कार्य करता रहा और ख़ासतौर से चिकित्सा के क्षेत्र में जो है गरीब मरीजों के उच्च गुणवत्ता युक्त इलाज, उनका निदान और चिकित्सा की सुविधा में उपलब्ध कराता रहा। इसी को देखते हुए विगत जो है कई वर्षों से, चूँकि हमारा आयुष्मान में भारत में भी इलाज चल रहा है गरीब मरीजों का, इसके अंतर्गत अभी आया कि नहीं, हमें भी हॉस्पिटल का NABH कराना चाहिए। तो NABH नेशनल एक्रेडिटेशन बोर्ड फॉर द हेल्थ हॉस्पिटल एंड हेल्थ प्रोवाइडर के लिए एक मानक है, एक स्टैंडर्ड है। तो आपको राष्ट्रीय स्तर पर आपका हॉस्पिटल जब तक नहीं होगा तब तक आप उच्च गुणवत्ता युक्त किसी भी मरीज का निदान और इलाज नहीं कर सकते। इसीलिए मैंने जो है इस मानक को कंप्लीट किया, तब जाकर के मुझे NABH का सर्टिफिकेट प्राप्त हुआ। काशी शोध सेवा समिति क्या है? काशी सेवा शोध समिति एक मेरा NGO है जो मैं 2008 में इसको मैंने ओपन किया, इस्टेब्लिश किया। और काशी सेवा शोध समिति के तहत मैं गांव-गांव में गरीब मरीजों के बीच में कैंप पर जाकर के लगाता हूं, कंबल वितरण करता हूं, चिकित्सा भी जो है बच्चों गरीबों को निःशुल्क कराता हूं, शिक्षा के भी क्षेत्र में मैं काशी शोध सेवा समिति जो है आपका इसके तहत शिक्षा समाज कल्याण पे आप जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन करते हैं और वैश्विक महामारी कोविड काल में भी आपकी हॉस्पिटल जो है ग्रामीण क्षेत्रों में लगातार जो है कार्य की है। और डॉक्टर साहब, यह जानकारी लोगों को हमारे चैनल के माध्यम से जागरूकता के तहत हम आपसे पूछना चाहते हैं कि जो वैश्विक महामारी कोविड के बाद जो ओमिक्रॉन एक वेरिएंट आई हुई है, इस पर आप क्या बचाव का संदेश देना चाहते हैं, कैसे जनता बचे इस? सर, मैं यही चाहूँगा कि इससे बचने के एक ही उपाय है कि सभी लोगों को कोविड का प्रोटोकॉल फॉलो करना चाहिए, मास्क लगाना चाहिए, सोशल डिस्टेंसिंग रखना चाहिए और घर में जब भी जाए तो जूता चप्पल बाहर रख करके और हैंड वॉश हमेशा करें। इससे बचाव का यही तरीका है। भीड़ में जो है कम से कम मतलब की जाए। आपकी हॉस्पिटल सर निर्धन असहाय गरीबों के लिए क्या सेवा प्रदान करती है? सर, हमारे यहाँ जो भी वीडो महिलाएं हैं, हॉस्पिटल टोटल मेरा फ्री रहता है और गरीबों के लिए हमारा NGO 30% पेमेंट करता है और अगर जो वैसे मरीज हैं वो केवल 70% पेमेंट करते हैं, बाकी 30% हमारा NGO हॉस्पिटल को प्रोवाइड करता है। आगामी जो है शीतकालीन सत्र चालू हो गई है, सर्द का मौसम आ चुका है, इस पे आपके काशी शोध सेवा समिति द्वारा